नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादलेवी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। मिथुन चक्रवर्ती हमारे बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति या सिनेमा प्रेमी होगा जो मिथुन चक्रवर्ती के नाम से परिचित नहीं होगा। मिथुन चक्रवर्ती को सभी लोग प्यार से मिथुनदा कहते हैं। मिथुनदा का फिल्मी करियर या कहें कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी दिलचस्प रही, जितनी चर्चा में रही, उनका व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही चर्चा में रहा, चाहे वह मिथुनदा की शादियां हों या फिर उनकी लव लाइफ। दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, आ जा जिंदगी में तेरे नाम लिख दूं। मिथुनदा ने अपने फिल्मी करियर के दौरान कई हसीनाओं को डेट किया था और आज के इस वीडियो में हम उन सभी एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जो कभी मिथुनदा के दिल की धड़कन हुआ करती थी। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और हमारे वीडियो की शुरुआत होती है एक्ट्रेस सारिका से। सारिका अपने ज़माने की जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इन्हें कई लोग सारिका ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। सारिका ने बचपन से ही बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और फिर आगे जाकर बड़ी होने पर वे लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्मों में नजर आने लगीं। मिथुन चक्रवर्ती की अफेयर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम सारिका का ही है, जिनके साथ मिथुन ने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही आँखें चार कर ली थीं। हेलेना के प्यार में पागल होने से पहले मिथुन सारिका के लिए ही पागल हुआ करते थे। घमंडी, तेरे प्यार में और हमारा संसार जैसी फिल्मों में साथ काम करते हुए दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। हालांकि यह रिश्ता ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया और जल्दी ही दोनों अलग हो गए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है हेलेना ल्यूक का। सारिका से अलग होने के बाद मिथुन खुद को बहुत अकेला फील करने लगे थे और तभी उनकी ज़िंदगी में हेलेना ल्यूक आईं। हेलेना अपने समय की लोकप्रिय एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर थीं। हेलेना ने साल 1980 में आई फिल्म जुदाई से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद हेलेना ने साथ साथ और एक नया रिश्ता जैसी फिल्मों में भी काम किया। हालांकि वे बॉलीवुड में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। उस दौरान हेलेना का जावेद खान से ब्रेकअप हुआ था, वहीं मिथुन का सारिका से। ऐसे में दोनों को किसी नए सहारे की तलाश थी, इसलिए पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मिथुन हेलेना के प्यार में पागल हो गए थे। एक इंटरव्यू में मिथुन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताते हुए हेलेना ने कहा था, मिथुन सुबह 6 बजे से लेकर रात में सोने तक उन्हें शादी के लिए मनाया करते थे। वो हर दिन मुझसे मिलते थे। आखिर उन्होंने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। फिर बिना किसी को बताए 1979 में हमने शादी कर ली। हेलेना से शादी के समय मिथुन फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शादी के महज 4 महीने बाद ही हेलेना और मिथुन का तलाक हो गया था। क्योंकि हेलेना से शादी के बाद मिथुन को योगिता बाली से प्यार हो गया था, इसलिए हेलेना ने मिथुन से अलग होना ही बेहतर समझा। कहा जाता है कि मिथुन अपनी पत्नी हेलेना से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है योगिता बाली का। बॉलीवुड अभिनेत्री योगिता बाली की खूबसूरत आँखें और दिलकश मुस्कुराहट उनकी पहचान थी। योगिता बाली शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली की भांजी थीं। योगिता बाली ने 1971 में परवाना फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अजनबी, अपराधी, कुंवारा बाप, महबूबा और जानी दुश्मन जैसी फिल्मों में काम किया। जिस समय मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में उभर रहे थे, उन दिनों वह योगिता बाली के साथ फिल्म ख्वाब की शूटिंग कर रहे थे। तब तक मिथुन का हेलेना के साथ तलाक हो चुका था और योगिता बाली किशोर कुमार की पत्नी थी। योगिता के शादीशुदा होने के बावजूद मिथुन उनको अपना दिल दे बैठे। बस फिर क्या था, दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगीं और फिर योगिता बाली ने किशोर कुमार से तलाक लेकर मिथुन दा से शादी कर ली। योगिता बाली और किशोर कुमार के तलाक को लेकर दो बातें सामने आती हैं। एक तो उनकी मिथुन दा से बढ़ती नज़दीकियाँ और दूसरी वजह थी योगिता बाली की मां का उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल देना। और यह बात किशोरदा जैसे हरफन मौला कलाकार को पसंद नहीं थी और कहा जाता है इसी वजह से किशोर कुमार और योगिता बाली का तलाक हो गया था।
किशोर दा से तलाक के बाद जब मिथुन दा ने योग्यता बाली से शादी कर ली तो इस बात से किशोर कुमार इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने मिथुन दा के लिए गाना गाना भी बंद कर दिया था। मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर्स का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस लिस्ट में अगला नाम श्रीदेवी का आता है। मिथुन और श्रीदेवी ने लगातार कई फिल्मों में काम किया और वह सुपरहिट रहीं। इसी दौरान दोनों में नज़दीकियां बढ़ीं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो दोनों ने किसी को बिना बताए गुपचुप शादी भी कर ली थी। इस बात की खबर मिथुन की पत्नी योगिता बाली को भी हो गई थी और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। और इस सब के बाद मिथुन और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास आ गई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती ने ढेर सारी हीरोइंस के साथ कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 80 के दशक में मिथुन की जोड़ी जिस एक अभिनेत्री के साथ सबसे ज़्यादा सफल रही वह हैं रंजीता कौर। मिथुन दा ने रंजीता के साथ तराना, सुरक्षा, फरेब, तरकीब और तकदीर का बादशाह, इन फिल्मों के अलावा भी और भी कई फिल्मों में काम किया था। और साथ साथ काम करते हुए दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा और धीरे धीरे यह साथ प्यार में बदल गया। कहा जाता है कि मिथुन के प्यार में पड़कर रंजीता ने अपना करियर बर्बाद कर लिया था, लेकिन फिर भी यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका और जल्दी ही खत्म हो गया। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है माधुरी दीक्षित का। माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ही अपने ज़माने के सुपरस्टार हैं। मिथुन दा माधुरी दीक्षित को भी डेट कर चुके हैं। इलाका, प्रेम प्रतिज्ञा और प्यार का देवता, इन फिल्मों में मिथुन और माधुरी एक साथ नज़र आ चुके हैं। और इसी बीच इन दोनों के लिंकअप्स की खबरें भी खूब उड़ीं। फिर माधुरी दीक्षित की तेजाब फिल्म हिट हो गई और उनकी जोड़ी अनिल कपूर के साथ ज़्यादा पसंद की जाने लगी, तो माधुरी ने मिथुन दा से दूरी बना ली। फिर भी मिथुन दा ने माधुरी के साथ काम करने का मौका नहीं छोड़ा, लेकिन माधुरी दीक्षित तब डेट्स ना होने का बहाना बनाकर उनसे किनारा करने लगी। और इसी वजह से फिर माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती ने सालों तक एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। 90 के दशक में मिथुन दा का नाम जुड़ा आयशा झुलका के साथ। मिथुन दा और आयशा झुलका की मुलाकात फिल्मों के दौरान ही हुई थी। दलाल, सूरज, मेहरबान, मुकद्दर और हिम्मत वाला को मिलाकर दोनों ने कुल 9 फिल्मों में साथ काम किया था। दलाल फिल्म की शूटिंग के समय ही दोनों के बीच प्यार हो गया था। मिथुन और आयशा झुलका की उम्र में लगभग 20 साल का अंतर था, लेकिन इस बात से दोनों में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया था कि दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन अफसोस यह ना हो सका और अंत में यह रिश्ता भी खत्म हो गया। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा या कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।